हेलो दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है और अभी आपको बताया कि नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और इस कारण से छात्रों को, अभिभावकों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, जिसको वही समझ सकता है जो उस फेज से गुजर रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किए हैं और इनको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश ये है कि अगर आप के पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो आप इन डाटा को कलेक्ट करके यहीं पर कमेंट करते जाएं और इसे हम सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें, सही संस्था तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो चिकित्सा जगत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि सीधे सीधे हमारे समाज को प्रभावित करेगा, वो ना हो। तो वो कुछ इस तरीके से है कि नीट पीजी और साथ में नीट यूजी एग्जाम हमारे देश में सबसे पहले 2013 में लागू किया गया और फिर उसके बाद चुनाव हुए, सरकार बदली और ये नीट पीजी नीट यूजी एग्जाम कंटिन्यू रहा। 10 साल बाद 2023 में अचानक से नेक्स्ट एग्जाम, जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा परिवर्तन था हमारे परीक्षा पद्धति में, उसको लॉन्च किया गया और पूरे देश में इसका अनाउंसमेंट किया गया। फिर अचानक इसे अनाउंसमेंट के बाद ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ हमें नहीं पता, किसी तरीके का व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया गया या फिर संस्था को लाभ पहुंचाया गया, ये हमें नहीं पता। लेकिन 7 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री साहब ने कहा कि नहीं, अगले 5 साल तक नेक्स्ट लागू नहीं किया जाएगा। अचानक पूरे देश में आग लग गई कि नेक्स्ट होगा, फिर अचानक से नहीं, नेक्स्ट लागू नहीं होगा। ये लागू होगा तो कब होगा? स्वास्थ्य मंत्री साहब ने कहा कि ये अगले 5 साल बाद होगा। अगर आप ध्यान दें तो ये तब लागू होगा जब अगला चुनाव आएगा, यानी कहीं ना कहीं पर ये हमारे राजनीति के साथ जुड़ता हुआ लग रहा है। और साथ में फिर हम देखते हैं कि इस साल नीट यूजी स्कैम हुआ, पेपर में सीधे सीधे आ रहा है कि कई सारे राज्यों में सीधे सीधे पैसे दे करके क्वेश्चन पेपर खरीदे गए। और FMG एग्जाम्स, हमारे देश के कई सारे बच्चे MBBS करने के लिए फॉरेन जाते हैं तो उनकी पॉलिसीज में कई सारी विसंगतियां रहती हैं। जैसे अभी हाल ही में उनको 1 साल का इंटर्नशिप ना देकर के 3 साल के इंटर्नशिप के लिए कहा गया, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और उसका प्रदर्शन भी हुआ और उस प्रदर्शन को फिर मानते हुए सरकार ने अपना निर्णय बदला, जो कि अच्छी चीज़ रही। तो ऐसी FMG के साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं FMG के बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके साथ और भी जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और नीट पीजी एग्जाम की अब हम बात करते हैं तो नीट पीजी एग्जाम जैसा कि हर साल जनवरी में होता था तो एक्सपेक्ट किया गया कि इस बार भी जनवरी में होगा, लेकिन उसे जब डिक्लेयर किया गया तो मार्च महीने में डिक्लेयर किया गया। फिर इलेक्शन होने के कारण, फिर से इलेक्शन यहां पर आ रहा है, हो सकता है कि इलेक्शन होने के कारण उसे पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन हुआ एग्जाम और फिर पोस्टपोन होने के बाद सडनली उसको प्रीपोन भी किया गया और प्रीपोन करने के बाद में जो डेट निकाला गया, एग्जैक्ट उसकी एक रात पहले जब बच्चे अपने शहरों को, अपने घरों को छोड़ करके एग्जाम सेंटर के पास पहुंच चुके थे, अपने अभिभावकों के साथ पहुंच चुके थे, उनको आर्थिक रूप से कई सारी चीज़ों को सहना पड़ा, मानसिक रूप से कई सारी चीज़ों को सहना पड़ा, अचानक सुबह नींद खुल रही है या फिर रात को 12 बजे उनको पता चल रहा है कि एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका है, तो आखिर ये हो क्या रहा है? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। तो जो भी व्यक्ति को इन सारी चीज़ों के बारे में और जानकारी हो, किसी छात्र को, किसी शिक्षक को या समाज के किसी भी व्यक्ति को, इसे हम एक जगह पर कलेक्ट करते हैं, इस कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं और इसे सही संस्था, सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम देश को बताने की कोशिश करते हैं, ताकि इनका ध्यान आए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए हमारे सीमा पर जवान दिन रात डटे रहते हैं, इसी तरीके से, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा है, लेकिन इसी तरीके से जो चिकित्सा जगत के चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो भी दिन रात स्वास्थ्य की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए लगातार लगे रहते हैं। अगर मान लो कहीं पर पेपर लीक हो गया या किसी बैकडोर एंट्री के थ्रू डॉक्टर की एंट्री हो रही है, तो सोचिए वो स्तर कैसा होगा। ये सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, ये समाज के साथ खिलवाड़ है, ये एक एक आदमी की जान के साथ खिलवाड़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आइए एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि सारे तथ्यों को एक जगह हम जोड़ते हैं, चाहे वो नीट UG का हो, चाहे वो नीट PG का हो, चाहे वो FMG का हो, और इस ध्यान को हम सही संस्था, सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके लिए सही कदम उठाए जा सकें। एक छोटी सी मेरी कोशिश है। धन्यवाद।